हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं VIT EEE 2021 एग्जामिनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग आपको रजिस्ट्रेशन से लेके एग्जाम आपको कैसे देना हर पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपके सामने इमेज आ गया होगा, उसमें आपको देख रहा होगा कि वॉच टाइम फ्रॉम अनसब्सक्राइब पीपल एंड सब्सक्राइब पीपल कितना है। 97.5% लोग देखते तो है वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब से हम VIT पे रेगुलर वीडियोज़ डालने वाले हैं, तो आप अपडेटेड रह पाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएगा। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए वीडियोस फ्रीक्वेंटली लाते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आपको मेन पॉइंट पहले बता देता हूं कि VIT EEE का एग्जाम जो है प्रीपोन हो गया है। जो पहले 18 जून टू 26 जून होने वाला था, वो अब 28th, 29th एंड 31st मई 2021 को होगा, एंड वो भी ऑनलाइन मोड में। ओके, ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टेड एग्जामिनेशन होने वाला है। लास्ट डेट टू फिल VIT EEE एप्लीकेशन फॉर्म है 28th मई 2021। मतलब इस डेट से पहले आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं, मतलब FAQs लेंगे, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया वो है कि टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, उसमें ऑडियो और वीडियो फैसिलिटी होना चाहिए, और उसमें इंटरनेट कनेक्शन जो हो कैसे भी आप कर सकते हैं, वाईफाई, हॉटस्पॉट या फिर इथरनेट के जरिए। दूसरा चीज़, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस या फिर iOS होना चाहिए, जिसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। फोर्थ, स्लॉट बुकिंग आपको करना पड़ेगा। एंड फिफ्थ, ई एडमिट कार्ड आपको उसके बाद मिलेगा, एंड मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो ये तो रिक्वायरमेंट्स थी, अब बात करते हैं हम लोग स्लॉट बुकिंग के बारे में। तो गाइज, सेकेंड क्वेश्चन है, स्लॉट बुकिंग का शेड्यूल क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले, स्लॉट बुकिंग का स्टार्टिंग डेट है 17th मई। 17th मई से स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगा, 21st मई तक इस ये प्रोसेस जो है वो चलने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, कि दो मॉक टेस्ट और एक एक्चुअल VIT EEE जो एग्जाम है उसका आपको एक साथ स्लॉट बुकिंग करना है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको 1A से लेकर 3D तक दिख रहा होगा, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 एंड VIT EEE एक्चुअल एग्जाम का। तो आपको करना क्या कि 1A से लेकर 3D तक आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है, एंड आपका वही रहेगा टाइमिंग मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 एंड एक्चुअल एग्जाम में। और हाँ फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ स्लॉट बुकिंग के बारे में, कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको खुद ही स्लॉट बुकिंग करना है, क्योंकि फोटो कैप्चर जो हो किया जाएगा स्लॉट बुकिंग के दौरान। और स्लॉट बुकिंग कैसे करना है उस पर भी हम एक वीडियो लाएंगे 17th मई, या उसके बाद जैसे ही VIT जो है वो इन्फॉर्म करता है, तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे कि आपको स्लॉट बुकिंग जो है वो कैसे करना है। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो आपको एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, तो जैसे आपका स्लॉट बुकिंग प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ई एडमिट कार्ड रिसीव आप कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आप फेल करते हैं स्लॉट बुकिंग करने में, मतलब व्हाट हैपेंस इफ एनीवन फेल्स टू बुक द स्लॉट, तो उस समय आपका क्या होने वाला है। तो स्लॉट बुकिंग जो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और जो भी ई एडमिट कार्ड है वो आपको ईमेल कर दिया जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मॉक टेस्ट कंपलसरी है। तो हाँ, मॉक टेस्ट कंपलसरी है, और उसका लिंक जो है वो आपको मेल कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा आपको मेल के जरिए। क्यों कंपलसरी है, क्योंकि आप जो है वो मॉक टेस्ट और एक्चुअल टेस्ट का रजिस्ट्रेशन एक साथ कर रहे हैं, स्लॉट बुकिंग एक साथ कर रहे हैं, तो आपको वो देना पड़ेगा। एंड मॉक टेस्ट क्यों ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपका जो फंक्शनिंग है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, एंड्रॉयड डिवाइस, फिर कैमराज, ऑडियो एंड वीडियो डिवाइस, सबको चेक किया जाएगा क्या प्रॉपर फंक्शनिंग आप हो रहा है। एंड ये जस्ट टेस्ट है एक्चुअल VIT EEE का, कि आपको कैसे करना है, तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सिलेबस सेम रहने वाला है या चेंज होगा, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेम रहने वाला है या चेंज हो जाएगा। तो सिलेबस जो है वो सेम ही रहने वाला है, जो भी VIT EEE वेब पेज पे है वही रहने वाला है। अब क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा क्वेश्चन पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, जो भी है आपका, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन, मैथ्स में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 2 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड के 3 क्वेश्चन होने वाले। टोटल मिला के 80 क्वेश्चन होंगे, और टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स का। राइट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होने वाली है, मतलब टोटल 80 मार्क्स का जो है वो पेपर
होने वाला है। एंड अगर आपको चाहिए कि रैंक वर्सेस मार्क आपको पता करना कि कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए कितने रैंक के लिए, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमको लगा कि ज़्यादा बच्चे इसको जानना चाहते तो हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गाइडलाइंस क्या होने वाले हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। तो आपके सामने एक इमेज आ गया होगा, वो आप देख सकते हैं। इसमें सारे गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियर कर देंगे जो भी डाउट है। एंड हाँ, अगर आपके मन में कोई भी और क्वेश्चन है तो आप फिर से कमेंट कर सकते हो उस क्वेश्चन को भी, वो भी हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि VIT पे बहुत सारे वीडियोज़ हम रेगुलरली अब डालने वाले, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज आ गए एंड और अदर मतलब बहुत सारे अलग जो है वो एग्जाम्स हैं उनके बारे में हम लोग वीडियोस डालते रहेंगे। तो हमारे चैनल पे जरूर बने रहिए।